डियर व्यूअर्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर साहू आज और एक कंटेंट के साथ आपके पास आया हूँ। कंटेंट शुरू करने से पहले आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। वो स्टोरी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। स्टोरी ये है कि आप त्रेता युग के बारे में जानते ही होंगे। त्रेता युग में मर्यादा पुरुष राम जी जब गए थे पढ़ने के लिए गुरुकुल, उसी टाइम पर जब उनका पढ़ाई ख़त्म हो जाता है, वो क्या करते हैं, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद घर आने के लिए उनको गुरुदेव को पूछते हैं। एंड गुरुदेव को ये पूछते हैं कि गुरुदेव जी मुझे बताइए मैं कितना सीखा हूँ, कितना पढ़ा हूँ और कितना शिक्षित हूँ। तभी गुरुदेव जी बोलते हैं बेटा राम तो एक काम कर मेरे पीछे आ जा। तभी गुरुदेव के पीछे पीछे राम जी चलने लग जाते हैं। कुछ देर जाने के बाद फिर मर्यादा पुरुष राम जी फिर से पूछते हैं कि गुरुदेव जी मुझे बताइए ना मैं कितना सीखा हूँ। तभी उनके गुरुदेव फिर से बोलते हैं बेटा राम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पीछे आ जा। तो फिर चलते हैं। ऐसे ही कुछ देर जाने के बाद गुरुदेव जी एक जंगल के अंदर घुस जाते हैं एंड उनके पीछे पीछे राम जी उस जंगल में घुस जाते हैं। तभी राम जी और एक बार पूछते हैं गुरुदेव जी मुझे बताइए ना मैं कितना सीखा हूँ। तभी गुरुदेव जी बोलते हैं बेटा राम तेरे पैर के नीचे जितना पता है वो उठा ले। तभी राम जी बिना पूछे बिना सवाल किए वो पैर के नीचे जितना पता था वो सब उठा लेते हैं। एंड गुरुदेव तभी बोलते हैं बेटा राम वो पता कितना है वो गिनती करके मुझे बता। तभी राम जी क्या करते हैं, वो जो पता था पैर के नीचे हाथ में उठा के सारे गिनती कर लेते हैं एंड गुरुदेव को ये बताते हैं कि गुरुदेव जी इतना पता है गिनती करने के बाद। तभी गुरुदेव जी बोलते हैं बेटा राम ये बता कि ये जंगल में कितना पता है। तभी राम जी बोलते हैं गुरुदेव जी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं ये बता नहीं सकता। तभी गुरुदेव जी बोलते हैं बेटा राम तू जितना सीखा है उतना ही तेरे दिमाग में है, यानी कि तेरे हाथ में जो पता था उतना ही तेरे दिमाग में है, यानी कि तू उतना ही सीखा है, लेकिन ये जो जंगल है वो ज्ञान का भंडार है। तो तू सोच अगर जंगल का जो पता है उसके बारे में तू गिन नहीं सकता, उसको बता नहीं सकता, तो इसीलिए बोलते हैं ये जंगल जो है वो ज्ञान का भंडार है। ये स्टोरी में से मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि कॉलेज युग में ये लाइब्रेरी के बराबर है, जिसे बोलते हैं स्टोर ऑफ सब नॉलेज, ज्ञान का भंडार। उस टाइम पे जो जंगल था ना गुरुदेव जी जो बोले थे, अब भी के वो लाइब्रेरी है, ज्ञान का भंडार, स्टोर ऑफ सब नॉलेज। मैं इसीलिए ये स्टोरी ये आपको बताया क्योंकि आजकल देखे होंगे सारे एकेडमी इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, कहीं पे भी हो, सारे यूनिवर्सिटी में कॉलेज में सेंट्रल लाइब्रेरी, डिपार्टमेंट लाइब्रेरी दिया जाता है, लेकिन उसमें स्टूडेंट विजिट नहीं करते हैं, फैकल्टी विजिट नहीं करते हैं। क्यों इसीलिए विजिट नहीं करते हैं, उन्हें ये समझ में आता है कि सारे रिसोर्सेज जो है ओपन मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो पहले से मिसगाइडेड है बाई अदर्स एंड उनके जो रॉन्ग साइकोलॉजी है कि एवरीथिंग अवेलेबल ऑन इंटरनेट। लेकिन मेरा कहना ये है कि इंटरनेट में जो भी अवेलेबल है वो ओपन सोर्स है, लेकिन लाइब्रेरी में जो अवेलेबल है ओनली ऑथेंटिकेटेड एंड ट्रस्टवर्थी मटेरियल है, जो कि ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। तो आप सोचिए कि जब स्टूडेंट कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कहीं पे भी एडमिशन कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि हम प्लेसमेंट हो ही जाएगा। लेकिन मेरा कहना ये है इफ़ यू वांट टू गेट सर्टिफिकेट्स यू गो टू द कॉलेज, बट इफ़ यू वांट टू गेट नॉलेज यू गो टू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज ओनली वन प्लेस वेयर इज नॉलेज इज फ्री, जहाँ पे आपको ज्ञान या रिसोर्सेस या मटेरियल, रिलेवेंट मटेरियल फ्री में मिलता है। लेकिन आप और कहीं भी जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, कुछ भी पाने के लिए, वो यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ओपन मार्केट में या ओपन ऑनलाइन में सारे अवेलेबल है, लेकिन आपको पता है कि जैसे कि प्रोकेस्ट हो या IEEE हो या एमराल्ड हो, सेज हो, जितने भी बड़े बड़े ऑथेंटिकेटेड डाटाबेस है, वो आपको फ्री अवेलेबल होता है क्या ओपन मार्केट में? नहीं। एंड अपडेटेड रिसोर्सेस वो भी अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन
हम लोग जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट पकड़ के बैठे हैं कि ओपन मार्केट में एवरीथिंग अवेलेबल है, वो गलत है। फॉर एग्जांपल क्रेजिक का एक मैथमेटिक्स 12th एडिशन अवेलेबल है जो कि रिजल्ट है बाय पब्लिश, लेकिन हम जब मार्केट में 7th एडिशन 8th एडिशन अवेलेबल हो जाता है उसे हम पकड़ के बोलते हैं कि ओपन मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो रियल है वो रिजल्ट है, वो बिना पेमेंट के नहीं मिलता है। आप जैसे कि वन टाइम पेमेंट करते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, उस टाइम पे आप बल्क अमाउंट पेमेंट करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हम पेमेंट नहीं करते हैं, ऑनलाइन में सारी चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन आप सोचिए, आप वेब ऑफ साइंस ले लीजिए, प्रोक्वेस्ट ले लीजिए, एमराल्ड ले लीजिए, जितने भी ऑथेंटिकेटेड एंड ट्रस्टवर्थी मटेरियल है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। आप मेरा सजेशन ये है कि सारे स्टूडेंट्स को, आप लोग सर्टिफिकेट तो आपको मिल ही जाएगा पढ़ने के बाद, लेकिन पढ़ने के बाद आप नॉलेज गेन करो, क्योंकि आप कहीं पे इंटरव्यू दोगे, कहीं पे नौकरी के लिए जाओगे ना, सर्टिफिकेट आपको गेट पास की तरह है, आपको एंट्री दिला देगा, लेकिन आप वहाँ पे एबिलिटी कैसे प्रूव करोगे? अगर आपके पास नॉलेज हो, अगर आप रिसोर्सफुल हो, तभी आप प्रूव कर पाओगे, ज़्यादा दिन टिक पाओगे, अपने एफिशिएंसी प्रूव कर पाओगे। सोचो, अगर कभी कभी क्या होता है कि जो पंछी होते हैं बर्ड्स, वो डाले के भरोसे नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनके जो पंख है, पंख के ऊपर उनका भरोसा होता है, अगर डाली टूट भी जाए, जो पेड़ का जो ब्रांच होता है, शाखा जिसे बोलते हैं, अगर वो टूट भी जाए ना, वो जो पंछी होते हैं बर्ड्स होते हैं वो पंख के भरोसे बैठते हैं एंड वो उठ जाते हैं, गिरते नहीं हैं। तो मेरा कहना ये है, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप उड़ना सीखिए, आप डाली के भरोसे मत बैठिए, आप अपने पंख को मजबूत कीजिए, यानी कि भी नॉलेजफुल एंड रिसोर्सफुल बनिए, बुकवर्म बनिए। बुकवर्म अगर बनेंगे मार्केट आपको ढूंढेगा, आपको मार्केट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे जो लोग लाइब्रेरी विजिट करते हैं, जो स्टूडेंट लाइब्रेरी विजिट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो ज़्यादा रिसोर्सफुल एंड नॉलेजफुल होते हैं। किस लिए? क्योंकि लाइब्रेरी में सारे ऑथेंटिकेटेड एंड ट्रस्टवर्थी मटेरियल अवेलेबल होता है। लेकिन हम लोग जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट पकड़ के बैठे हैं कि नहीं, ओपन मार्केट में एवरीथिंग अवेलेबल है, वो गलत है। आप सोचिए, आप इतने सारे डाटाबेसेस अवेलेबल है और लाखों में पेमेंट लेते हैं, अगर ओपन मार्केट में वो सब चीज़ अवेलेबल हो जाए, फिर वो लाखों में पेमेंट क्यों लते हैं, किस लिए लेते हैं? आप एलसीआईबी को ले लीजिए, IEEE को ले लीजिए, कि जितने भी बड़े बड़े डाटाबेस है, या ई बुक्स है, या प्रिंट बुक्स है, जो भी है, आप उनको ले लीजिए, आप देखेंगे सारे ऑथेंटिकेटेड एंड ट्रस्टवर्थी मटेरियल रिजर्व्ड है एंड यू हैव टू पे। लेकिन लाइब्रेरी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, मैनेजमेंट आपके लिए बहुत सारे डाटाबेसेस एंड रिसोर्सेज सब्सक्राइब करते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप लोग यूज़ नहीं करते हैं। उसमें उनका बेनिफिट नहीं होगा, उसमें आप ही का बेनिफिट होगा, आप मार्केट को चैलेंज कर पाओगे, इंटरव्यू में एक ही बार में सक्सेस गेन कर पाओगे, एंड आप जब कैंपस, आपको अगर कॉलेज में ना मिले, आप कहीं पे भी इंटरव्यू देके अपना लाइफ बना सकते हो, कैरियर बना सकते हो। आप सोचिए, लाइब्रेरी जैसे बोलते हैं ना, हम कहीं पे भी खाना खाए, माता जी जो बनाते हैं वो खाने का टेस्ट कुछ अलग है। हम घर पे कितने भी किताब रख के क्यों ना पढ़े, लाइब्रेरी में जो एनवायरनमेंट में है पढ़ने के लिए, वो एनवायरनमेंट और कहीं नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपडेटेड होता है एंड अपडेटेड नॉलेज एंड रिसोर्सेस अवेलेबल होता है। आप सोचिए, खुद को बुकवर्म बनाइए, नॉलेजफुल बनाइए, रिसोर्सफुल बनाइए, एंड खुद को ऐसे रेडी कीजिए कि आपको मार्केट ढूंढे ना, आप मार्केट के पीछे भागते रहे, नौकरी ना मिले। अगर आप रिसोर्सफुल हो, नॉलेजफुल हो, अपडेटेड हो, तो आपको मार्केट ढूंढेगा। आप सोचिए कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, एफिशिएंसी है, उसे प्रूव कीजिए,
बोलते हैं ना प्लेस वैल्यू, हम कहीं भी जाते हैं हर प्लेस का वैल्यू होता है। जैसे आप देखेंगे अगर हम मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने, वहाँ पे सारे लोग सब्जी खरीदने वाले ही मिलते हैं। अगर टेम्पल जाएंगे, मंदिर जाएंगे, वहाँ पे सारे लोग पूजा करने वाले मिलते हैं। ऐसे ही अगर लाइब्रेरी जाएंगे ना, तो लाइब्रेरी में सारे पढ़ने वाले लोग मिलेंगे, एजुकेटेड लोग मिलेंगे। एंड लाइब्रेरी में टाइम सेव होता है। अगर वहाँ पे जाके आप सिर्फ एक घंटा दो घंटा अगर आप वहाँ पे जाके लाइब्रेरी में बैठे एंड किताब पढ़ाई करें, मैगजीन पढ़ाई करें, न्यूज़पेपर पढ़ाई करें, जो भी करें, आप देखेंगे 6 महीना 1 साल के बाद आपका नॉलेज, आप रिसोर्सफुल हो, नॉलेजफुल हो। तो मेरे कहना ये है, आप किसी ब्रांच के भरोसे मत बैठिए, आपके जो विंग्स है उसे मजबूत कीजिए एंड स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि अगर डाली आपको सपोर्ट ना दे तो आप उड़ के कहीं भी बैठ सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं ये कहना चाहता हूँ, सेव योर टाइम। स्टूडेंट को एंड फैकल्टी का सब भी को बोल रहा हूँ, सेव योर टाइम, थिंक टुडे फॉर बेटर टुमारो। अगर आज टाइम सेव करोगे, कल जाके किसी सीनियर पोजीशन पर एंड किसी बेस्ट पोजीशन पर बैठ सकते हो। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ, लाइब्रेरी में ट्रस्टवर्दी मटेरियल अवेलेबल है एंड लाइब्रेरी में सारे रिसोर्सेज फ्री है एंड लाइब्रेरी जो विजिट करते हैं वो ज़्यादा नॉलेजबल एंड रिसोर्सफुल होते हैं एंड लाइब्रेरी रिसोर्सेज आपको एक एंटरटेन करता है, एनकरेज करता है, आपका रीडिंग हैबिट बढ़ता है एंड स्पीकिंग कैपेसिटी बढ़ता है एंड इंग्लिश वर्डिंग कैपेसिटी बढ़ता है। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, चाय पीने के लिए जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, जूस पीते हैं और टाइम को वेस्ट करते हैं। लेकिन मेरा कहना ये, अभी टाइम सेव कीजिए एंड कल के बारे में सोचिए, थिंक फॉर बेटर टुमारो। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सोचिए, आप खुद नॉलेजफुल बनेंगे, रिसोर्सफुल बनेंगे, मार्केट आपको ढूंढेगा या आपको मार्केट ढूंढना है। आपको तो गेट प्रेस मिल जाएगा सर्टिफिकेट, लेकिन आप परफॉर्म कैसे करोगे अगर नॉलेजफुल ना हो तो, रिसोर्सफुल ना हो तो। आज ही सोचिए एंड रिसोर्सफुल बनिए। एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ समाप्त करता हूँ वीडियो। नमस्कार।